We shall now move on over to a local talented artist. Her name, Miss Reshmi Sanan. She certainly has a melodious voice. Where is she from? How did she acquire the voice training? What all does she do for singing? Let's discover all about this singer in Spotlight on Women, hosted by Dr. Satish Misra. Namaskar. सतीश मिश्रा, वीमेंस वर्ल्ड व्यू के बिहाफ में मैं आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में अगर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है तो औरतों का रहा है। औरतें हमारे जीवन में आती हैं माँ बन के, बहन बन के, पत्नी बन के, और फिर बच्चों की माँ बन के। इस तरीके से औरतों का जीवन और पुरुषों का जीवन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में रश्मि सानन जी हैं, जो भारत में पैदा हुई, भारत में बड़ी हुई, अब भारतीय दूतावास में काम कर रही हैं। और हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि भारतीय दूतावास में आजकल एक महिला, एक औरत राजदूत हैं। इससे पहले भी एक औरत राजदूत थी, उससे बहुत पहले एक औरत राजदूत थी। हमारे ख्याल में तीसरी औरत हैं जो भारतीय दूतावास में राजदूत हैं। इससे पहले सब पुरुष ही रहे हैं। तो मुझे बड़ा हर्ष है कि आप भारतीय दूतावास में हैं, भारत से इतनी दूर रह रही हैं, इतना बड़ा योगदान हम लोगों के जीवन में दे रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन और शिक्षा कहाँ हुई? मैं भारत से हूँ, और भारत में कई जगह पर, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो एयरफोर्स में रहे हैं, तो हम लोग बहुत से स्टेशंस पर रहे हैं। एक जगह पर हम लोग कभी नहीं टिकते थे। अच्छा। तो पटियाला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, पठानकोट, बहुत जगह से मेरा लिंक रहा है। और लेकिन बाद में जाकर हम लोग फरीदाबाद में, हरियाणा में हम लोग घर बनाया, और वहाँ पर हम लोग परमानेंटली सेटल हो गए। तो लेकिन मेरा कार्यस्थल जो है वो दिल्ली है। वहाँ पर ऑडिट सीएजी ऑफ इंडिया में महालेखाकार के दफ्तर में मैं वहाँ काम करती हूँ, और वहीं से मुझे यहाँ आने का मौका मिला यूएस में। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था मेरी ज़िंदगी में भी। जब मैं यहाँ पर आई, बहुत कुछ नया यहाँ देखने को मिला यूएस में मुझे। और 3 साल की हम लोगों की पोस्टिंग होती है एज डिप्लोमैट्स, तो 3 साल में से 2 साल मैं पूरे कर चुकी हूँ, 1 साल आपके साथ और हूँ यहाँ पर। तो इसमें भारतीय दूतावास में या फॉरेन सर्विसेज में काम करने के लिए आपको कोई कंपटीशन में भाग लेना पड़ा, या सिलेक्शन कैसे हुआ है? सिलेक्शन ओवरऑल पूरे भारत से एप्लीकेशंस आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद कोई एक लकी होता है जिसको 3 साल में यहाँ की पोस्टिंग मिलती है। तो ऊपर वाले की कृपा रही। तो आपने कम्पीट किया बॉयज एंड गर्ल्स एंड मेन एंड वीमेन सबके साथ में कम्पीट करके आपका सिलेक्शन हुआ। जी, बड़ा ही अच्छा है कि हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी भारतीय महिलाएं भी अब भारतीय पुरुषों के से आगे निकल रही हैं पढ़ने लिखने में और कंपटीशन में, योग्यता में, और पब्लिक रिलेशंस में। सोशल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अब थोड़ा सा मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं। जरा ये बताइए कि जीवन के किस मोड़ पे कैसे आप अपने जीवन साथी से मिली? मैं 20 साल की थी जब मेरे पिताजी और मेरे हस्बैंड के पिताजी दोनों एक साथ एयरफोर्स में थे, अच्छे दोस्त थे। तो वहाँ से ही बात शुरू हुई, और उस तरह से मैं अपने हस्बैंड से भी मिली। 20 साल तक बहुत अच्छा साथ रहा उनके साथ। इस बीच में 2 बेटे हुए, लेकिन 2005 में अनफॉर्चुनेटली एक बड़े हादसे में वो नहीं रहे। तो अब लेकिन बच्चों के साथ मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ पे है इस समय? बड़ा बेटा भी यहीं से पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। और छोटा वाला आया था बेटा, लेकिन उसको वापस जाना पड़ा, सीए कर रहा है इंडिया से अभी। अच्छा, तो दो लड़के हैं। अच्छा, कितनी साल के होंगे इस समय? बड़ा बेटा मेरा 25 साल का है, छोटा 20 का है। शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं। तो आप मेरी शादी पूछ रहे, बच्चों की शादी पूछ रहे?
आपको और आपको शादी हुई ना, तो आप किस अरेंज मैरिज थी या अरेंज मैरिज और इतनी सक्सेसफुल जी, तो कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, इसमें आपका व्यक्तिगत व्यू क्या है कि शादियाँ अरेंज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए या इंट्रोड्यूस मैरिज होनी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि शादियाँ लव कम अरेंज होनी चाहिए। अच्छा, मतलब इंट्रोड्यूस, इंसान किसी भी लड्डू से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो सही बात है, प्यार भी करे और उसी से शादी करे जिससे वो प्यार करता है। तो इसके साथ साथ आप मतलब इतनी अकॉम्प्लिश्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, इसके साथ साथ आप कवित्री भी हैं, गायिका भी हैं और हर जगह रेडियो स्टेशन वगैरह पर काम भी किया हुआ है। हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आप एक कवित्री कैसे बनी, ये पैदाइश ख्वाहिश थी या अपने आप से किया, और फिर इतना टाइम कहाँ कैसे मिलता है आपको ये सब काम करने का? जब मैं 3 साल की थी तो वो गाना बड़े ज़ोर शोर से स्टेज पर, मंच पर गाया था मैंने एक बार, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मम्मी पापा ने भी देखा कि इंटरेस्ट है इसका, और वो जो लगाव था संगीत के प्रति वो इतना बढ़ता चला गया कि 12वीं के बाद मुझे लगा नहीं, शायद मैंने साइंस ली थी 12वीं तक, लेकिन मुझे लगा कि नहीं शायद मैंने गलत दिशा इख्तियार कर ली है, तो मुझे म्यूज़िक में होना चाहिए। तो फिर पता किया दयालबाग आगरा में म्यूज़िक की बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। वहाँ बहुत मुश्किल से, क्योंकि सीधा मैं 12वीं के बाद एडमिशन लेती थी, तो बहुत मुश्किल से, लेकिन मेरी लगन को देखते हुए उन्होंने मुझे वहाँ दाखिला दिया। उसके बाद बस ये सिलसिला चलता रहा, रेडियो पर प्रोग्राम देती रही और टीवी पर भी कई प्रोग्राम्स हुए मेरे, लेकिन लेखन का सिलसिला जो था वो काफ़ी बाद में आया। अच्छा, कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, तो यही मेरे साथ भी हुआ कि एक शौक जो था उसके बाद उसको फॉलो करते करते ज़िंदगी ने कुछ इस तरह से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि कुछ शब्द अपने आप उस संगीत में ढलने लगे और गीत का, गज़ल का और भजन का रूप इख्तियार करने लगे वो। तो वहीं से शुरुआत हुई, करीब 1995 या 98 कह सकते हैं, वहाँ से पहला गीत जो मैंने लिखा वो एक बेटी, क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है तो मैं वो गीत की कुछ पंक्तियां आपको जरूर सुनाना चाहूंगी जो मैंने जरूर, एक जरूर, बेटी के ऊपर लिखा गीत, था गीत, गजल, भजन, जो भी भजन तो मैं हर जगह सुनता रहता हूं, गीत भी सुनता रहता हूं, आपके प्रोफेशनल सिंगर हैं, प्रोफेशनल के साथ में गाती हैं, तो मैं आपसे कुछ जैसे गजल वगैरह हैं हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, गजल भी सुनाती हूँ, लेकिन क्योंकि बात हो रही थी कि शुरुआत कहाँ से हुई, चलो ठीक है, तो वो शुरुआत सिर्फ 4 पंक्तियों से, मैं 4-5 पंक्तियों से, फिर उसके बाद गजल पर आऊंगी, चलो ठीक है यार, क्योंकि वो लिंक बीच में मुझे लगता है टूटना है। सही बात है एकदम, ठीक है। तो हमारे घर में एक बेटी हुई, मेरी बहन की बेटी थी, उसका नाम था सारा, तो उस पर मैंने गीत लिखा था जो मेरा पहला गीत था। सारा एक लड़की का नाम है, वो नन्ही सी एक जान है, सारा का मतलब शहजादी, हर किसी के मन में बस जाती, मम्मी को बड़ा ही तड़पाए, पापा को हमेशा दौड़ाए, घर भर की आंख का तारा है वो जो कहलाती सारा है, सोने के पालने में झूले, चांदी के बिछौने में सोए, मोती पन्नों से खेले और मखमल से नीचे पग न धरे, देती हैं हवाएं लोरियां, झूला देती हैं डोरियां, इस नटखट कोमल बचपन को देखे सब चांद चमक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लड़की का नाम है सारा। तो ये गीत था बेटी के ऊपर जो मुझे लगा कि इस प्रोग्राम के जरिए महिलाओं का जो कार्यक्रम है उसमें जरूर पेश होना चाहिए। बहुत सुंदर, और अब आपने गजल की बात की है तो मेरी जिस किताब का आपने अभी जिक्र किया है, तन्हा 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 तन्हा, तो अगर मैं इस किताब के बारे में नहीं बताऊंगी और इस गजल के बारे में नहीं बताऊंगी तो जरूर जरूर वो कम होगा। तो तन्हा तन्हा के बारे में ही बताती हूँ। हाँ बताइए। कि ये किताब जो है मैंने अपने पति के नाम की है, उन्हें डेडिकेट की है उनके डेथ के बाद, तो इसीलिए इस किताब का नाम तन्हा तन्हा भी है, और जैसे कि इसके कवर पेज पर भी आप देखेंगे वो तन्हाई साफ नजर आती है। तन्हा का मतलब है लोनलीनेस या एकदम अलोन,
तो वो तन्हाई इस किताब में साफ नजर आएगी आपको। अच्छा। तो वहीं से बात शुरुआत करती हूँ, बात की शुरुआत करती हूँ कि तन्हा भी हो कि मैं कभी तन्हा कहाँ रही, तन्हा भी हो कि मैं कभी तन्हा कहाँ रही, तेरा ख्याल साथ रहा मैं जहाँ रही। और गजल पेश करती हूँ तन्हा तन्हा। नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, ठोकरें खा के संभलते रहे तन्हा तन्हा, ठोकरें खा के संभलते रहे तन्हा तन्हा। हमको गैरों का सहारा न था मंजूर कभी, हमको गैरों का सहारा न था मंजूर कभी, अपनी उलझन लिए चलते रहे तन्हा तन्हा। हमने जल जल के जमाने को उजाले बख्शे, हमने जल जल के जमाने को उजाले बख्शे, शम्मा की तरह पिघलते रहे तन्हा तन्हा, नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, ठोकरें खा के संभलते रहे तन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और फिर से हमारा चांस मिलेगा आपको यहाँ इनवाइट करने का। बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद।